इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाँ, अगर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, IRCTC का अपने कन्फर्म जो एप्लीकेशन है उसमें से, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ओ सॉरी, दिस यूज़र ID सिम्स बी टू बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ IRCTC, प्लीज़ चूज़ अनदर यूज़र ID। तो इस तरीके से आपको दिखाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चेक ऑप्शन होता है एक, ठीक है, तो चेक ऑप्शन में ये नहीं आ रही है, तो यहाँ पर एक नीचे इंस्टेड आ रही है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप उसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप जो है आगे की स्पेलिंग डालिए। तो देखिए कि यहाँ पर ये चेक आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर भी ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक दो गिनती डाल दीजिए, ठीक है, तो ये फिर इजीली आ जाएगा। तो चेक करेंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि एक नाम के बहुत सारे यूज़र होते रहते हैं, बट एप्लीकेशन का काम है कि एक यूज़र को एक ही देना यूज़र नेम, आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते चाहे कोई भी नाम हो। तो एक्चुअली में सानू सेफी नाम बहुत लोगों ने रख रखा है, तो इसलिए हमें ये नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये हो गया तो हमने ई डाल दिया, तो यहाँ से आप चेक करते हैं तो ये हमें अवेलेबल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ये नाम वैसे नहीं होता, सिर्फ यूज़र नेम होता है, जिससे कि आपको या फिर किसी बंदे को पता चल सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, तो ये अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा नाम के डिफरेंट रखना है पास, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।